मैं मौलिक कंसारा। बचपन से ही मैं बहुत हैंडसम, प्यारा और क्यूट था। मम्मी और डैडी की हर बात माना करता था। सेजल मेरी बड़ी बहन, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे जलती थी। और क्योंकि मैं फैमिली में सेकंड पैदा हुआ था, जाहिर है मुझे हर चीज सेकंड हैंड ही मिलनी थी। यूज्ड बुक्स, यूज्ड पेंसिल, यूज्ड खिलौने और यहां तक कि मेरी बहन की लेडीज साइकिल भी मुझे चलानी पड़ी थी। मुझ में बस एक ही खराबी थी, मुझे पढ़ने का शौक नहीं था। यार ये मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मेरे बस की बात नहीं थी, पर पापा को ये बात समझ में ही नहीं आती थी। ऐसे भी दिन आते थे जब पापा जानकर मेरा होमवर्क फाड़ देते थे ताकि मैं उसे फिर से ठीक तरीके से करूं। उनका ये ठीक तरीका मुझे कभी समझ में ही नहीं आया। डॉक्टर या इंजीनियर बनने की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी। अलबत्ता यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, लेकिन यूनिवर्सिटी की तो बात ही कुछ और थी। दोस्त के साथ घूमना फिरना, लड़कियां देखना और ऐश करना, मेरी लाइफ सेट। बचना ऐ हसीनों, तो मैं आ गया। ए बचना जहाँ तक ग्रेड्स की बात थी, यूनी में एक लड़की पढ़ने लिखने के लिए बहुत मशहूर थी, रीमा शाह। मैं भी उसी के पास पढ़ने चला जाता था। आह रीमा, अपनी पढ़ाई छोड़कर भी वो हमेशा दूसरों की मदद करती रहती थी। दोस्तों के साथ रीमा के घर में तकरीबन हर रोज पहुंच जाता था, कभी नोट्स लेने या कभी उससे अपना होमवर्क करवाने, और कभी रीमा के हाथ की मैकरोनी खाने। रीमा की मम्मी को ये बात मेरी पसंद नहीं आती थी, आफ्टर ऑल मैं आवारा टाइप का लड़का जो माना जाता था। घूमने फिरने में ही यूनिवर्सिटी के दिन यूं ही गुजर गए, और इसी पढ़ाई के चक्कर में रीमा के साथ प्यार कब हो गया ये पता ही नहीं चला। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून। तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। अब मैं बड़ा हो गया हूं, थोड़ी बॉडी शॉडी भी बना ली है, और मम्मी का जॉन अब्राहम बन गया हूं। पापा से डांट खाने की बजाय अब मैं उनको डांटता हूं। रीमा मेरी टीचर कम और मेरी दीवानी ज्यादा बन गई है, और बहुत जल्द ही मैं